नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अयाज भाई, एक बार फिर से हम आपके पास जो है कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं जो हमेशा से ये रहा है कि आप जो है बेबाकी से हर सवालों के जवाब देते आए हैं और गरीबों के बीच में जो है आपने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। सर, एक छोटा सा ये सवाल है कि जिस तरह से एक साल गरीबों का बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, गरीब जो है रोड पर आ गए, यहाँ तक कि जो पैसे वाले थे वो तक रोड पर आ गए। ये जो दोबारा से 2.0 जिसका नाम दिया गया है कोरोना का, लॉकडाउन का, जिससे जो है जनता परेशान हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वबा जो है अपने दूसरे अंदाज में यहाँ पर फिर से दस्तक उसने दिया है। ख़ासकर महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में इसका असर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। उसको देखते हुए एहतियात तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो तमाम पार्टियों से सलाह मशवरे के बाद ये तय पाया है कि कुछ हद तक पाबंदियों को जोड़ते हुए एक मिनी लॉकडाउन लगाया जाए, जो कि सरकार ने लागू किया है। अब यह है कि मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। ये हर आदमी समझता है, सरकार भी समझती है कि लॉकडाउन से ही सब कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी को अपनी तरफ से भी सारी चीज़ों की एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, एक दूसरे के बीच में दूरी रखकर काम करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। तमाम मौजू पर लोगों को छूट दी गई थी सरकार की तरफ से, लोगों ने उस छूट का भी तो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। भीड़ की शक्ल में हर जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कुछ दिनों तक इस चीज़ का एहतियात रखना बहुत ज़रूरी था, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए था। उसको देखते हुए अब जो निर्बंध लगाया हुआ है, उस निर्बंध को अगर हम लोगों ने ढंग से पालन किया तो शायद ये लॉकडाउन आगे जाके खत्म हो सकता है। सर, लेकिन ज़्यादातर जो है जो दोस्त ठाकरे का बयान आया था कि जो कंटेनमेंट जोन होंगे वहाँ पर सख्ती बरती जाएगी और जहाँ पर जो है ग्रीन जोन है वहाँ पर जो है सिर्फ नाइट का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जैसे कि अभी मुमरा में इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुमरा की सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और सिर्फ दुकानों के लिए ही लॉकडाउन है। हाँ, इसकी ये बात पर मैं सहमत हूँ आपकी, और इस बात का मुझे भी, मेरा भी विरोध है कि अगर आप ओवरऑल ठाणे एरिए को देखा जाएगा तो ठाणे के बहुत सारे एरिए कंटेनमेंट जोन में हैं और ख़ास तौर से मुमरा कौसा जो है, मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त भी वो ग्रीन जोन में है। केस नहीं के बराबर है, सस्पेक्टेड केसेस हैं जो कि कुछ वायरल फीवर के शिकार हैं, कुछ थोड़े बहुत माइनर निमोनिया के शिकार हैं, कुछ टाइफाइड के इफ़ेक्ट हैं। अब उसको कोरोना के नाम पर लोगों के सामने पेश किया जाए तो वो अपनी जगह है, लेकिन मुमरा में इसका असर बहुत कम है। उसको देखते हुए मुमरा कौसा जो है वो ग्रीन जोन के बेल्ट में आता है। उसको देखते हुए जो मुमरा में जो निर्बंध लगाई, एज ए व्यापारी संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा इस पर पुरजोर तरीके से विरोध है। ये सरकार की नीति नहीं है, ये प्रशासन की गलती है। मुमरा कौसा के अंदर जो निर्बंध लगाए गए वो प्रशासन की तरफ से लगाए गए, और इस ताल्लुक से मैंने अभी 2-4 दिन पहले सीनियर साहब को भी ये कहा था कि भाई, ये व्यापारियों में बहुत हद तक विरोध है कि आपने जो दुकानों की जो पाबंदी लगाई है। उनका कहना भी है कि पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है, जब कलेक्टर की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं, ज़िले के पालक मंत्री की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं और लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कॉरपोरेशंस हैं इनकी तरफ से भी निर्बंध लागू हो जाते हैं, तो निर्बंध लागू होने के बाद उसको फॉलो करना और उस पर अमल करना पुलिस स्टेशन की और पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है। पुलिस ने अपना काम किया है। सर, जब लॉकडाउन खुल गया था जी, तो जो हॉकर्स थे, जो गरीब थे, वो अपना धंधा लगा करके किसी तरह से अपना पेट पाल रहे थे जी। उस वक्त भी जो है म्यूनसिपालिटी यानी TMC द्वारा जो है उनको सताया जा रहा था, और आज जो है जब लॉकडाउन लगा हुआ है और खास करके मुमरा एक ग्रीन जोन है, आज भी उनको सताया जा रहा है। तो ऐसे में गरीबों की, हम लोगों के पास भी ऐसे सवाल आते हैं कि आप लोग इस पर क्यों नहीं
रोशनी डालते हो कि आखिर गरीब क्या करेगा। कुछ तो ऐसे हैं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ चलाई थी, उसमें एक रिक्शे वाला है, बोलता है कि 2 आदमी 2 सवारी बिठाने की इजाज़त दी जा रही है जबकि बस में फुल भर के जा रहे हैं। तो ऐसे में उसका यही कहना था कि अगर ऐसा ही रहा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो अगर ऐसी परेशानी से ऊब करके लोग आत्महत्या करने लगे जी, तो फिर हमारा मुमरा का क्या होगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। यहाँ पर जो मुमरा कौशल के हालात है, पिछले लॉकडाउन से जो गरीब तबका था वो अभी से उभरा भी नहीं था, उसकी माली हालत इतनी कमज़ोर है, रोज़ सुबह अगर वो अपने काम के लिए नहीं निकलेगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं जल सकता। यहाँ पर जो मुमरा कौशल की आबादी है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है गरीब तबका है, जिसका रोजी माश जो है वो डेली कमाना खाना है। अगर उसकी दुकान सुबह नहीं खुलेगी तो शायद उसको रात का खाना नसीब नहीं होगा। तो ये हालात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी एक हमदर्दी की नज़र से देखते हुए, और ख़ासतौर से प्रस्ताव यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को कलेक्टर के सामने और नगर पालिका के सामने रखना चाहिए कि भाई ये जो मुमरा कौसा है ग्रीन जोन बेल्ट में है, यहाँ पर केसेस की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए दुकान फौरन खोलने की इजाज़त लेनी चाहिए, दुकानें खोल देनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, लोग परेशान हाल है, लोग कह रहे हैं कि हमारा कोरोना से मरने से मरना गवारा है लेकिन ये रोजी रोटी के जो भुखमरी से हम मरेंगे इसलिए गवारा नहीं है। लोगों की हालत इतनी खस्ता है कि लोगों के खाने के अब जो लोग मदद करते थे पिछली बार लॉकडाउन में, सबने मदद किया, हमने मदद किया, लोगों ने भी मदद किया, वो मदद करने वालों की भी कमर टूटी हुई, वो कहाँ से लोगों की मदद करेंगे। अब तो मदद करने वाले भी कतार में हैं मदद की। तो इस सूरत में तो गरीब जो है वो दो तरफा पिसने वाला है। और इसके अलावा अभी रमज़ान, चंद दिनों बाद रमज़ान है, रमज़ान के हालात ये होते हैं कि आदमी रोज़ा रखकर इस कड़कती धूप के अंदर, इस गर्मी के अंदर अमूमन तो वो काम नहीं कर पाएगा, इतनी गर्मी है। उसके बाद अगर वो थोड़ी सी दुकान खोलकर बैठकर कुछ हिस्सा अपनी रोज़ी का कमा कर वो शाम में इफ्तार तो कर सके, ऐसी सूरत हाल तो बन जाए इस उमरा कौसा में। अगर ये सूरत हाल नहीं होगी तो लोगों को इफ्तार करने के लिए भी पैसा मुहैया नहीं होगा। सर, जहाँ तक धार्मिक मसलों को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि देखिए पिछले साल भी जो है कई सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, खास करके रमज़ान, गुड़ी पड़वा वगैरह था, जो लोग पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थलों पर जाते थे वो भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा एक सेक्युलर जो है जगह है, यहाँ पर सब मिल के रहते हैं, और मुहर्रम में भी वही हाल थी। इस बार भी जो है रमज़ान करीब है, गुड़ी पड़वा और बहुत से हिंदुओं के भी त्यौहार आ रहे हैं जी, लेकिन इस बार भी जो है गाइडलाइन, कम से कम गाइडलाइन दे करके उन स्थलों को खोल के रखा जाता, लेकिन वो भी नहीं है जी। इस पर इन लोगों के लिए और प्रशासन से क्या अपील है आपकी, क्योंकि रमज़ान में बिना तरावी पढ़े, अब हर कोई घर में तरावी तो पढ़ता नहीं है, तो उस पर क्या रोशनी डालेंगे आप। मेरी प्रशासन से अपील है कि सोशल डिस्टेंस रखते हुए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या तरावी का अहतमाम हो, रमज़ान में इफ्तार का अहतमाम हो, नागरिक खुद इतना ज़्यादा सजग है इस वक्त, वो खुद जानता है कि किसी को किसी के नज़दीक जाने से वो मर्ज पैदा होगा, उसकी जान जोखिम में नहीं डालेगा। अवाम इतनी तो ज़्यादा समझदार है यहाँ की कि वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। सोशल डिस्टेंस रखते हुए आप अपनी शर्त ये रख सकते हैं वहाँ पर कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज यूज़ कीजिए, आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, नमाज अदा करिए, ये सब चीज़ों के लिए पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं मेरे नज़रिए से। और रही बात, आप पाबंदी इंसान खुद समझ रहा है यहाँ पर, जब आप ये देख रहे हैं मुमरा कौसा जो है वो सस्पेक्टेड थोड़े बहुत हो सकते हैं कोरोना पेशेंट कंप्लीटली यहाँ पर जिस थाना का एवरेज है उसको देखते हो तो मुमरा में नहीं के बराबर है। तो ये क्यों है, लोगों ने एहतियात बरता होगा तो ये, यहाँ की इम्यूनिटी मजबूत है तो है, लोगों ने इतना तो ध्यान रखा है कि मर्ज से वो दूर रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी बहुत यहाँ पर ढील कर देना बहुत ज़रूरी है, ग्रीन जोन को ध्यान में रखते हुए मुमरा कौसा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले।
और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।